नमस्कार दोस्तों, ये है डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ 15th ऑफ फरवरी। देख लेते हैं पहला न्यूज में यहाँ पर है, तंजानिया ने विद्रॉ कर लिया अपने आप को यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी प्रोग्राम से। और तंजानिया इसका रीजन दे रहा है दैट सिक्योरिटी एंड लैक ऑफ फंड के कारण हम यहाँ से विदड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, वैसे तंजानिया को जो कहा जाता है ना, बहुत अरसे से कहा जाता है दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन फॉर रेफ्यूजीज। जितने भी सारे रेफ्यूजीज जो कि बुरुंडी या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्डो के रीजन से आते हैं, वो डायरेक्ट तंजानिया में ही घुस जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सेफ हेवन ऑफ रेफ्यूजीज कहा जाता है। और रिसेंटली 2016 में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था इन द फॉर्म ऑफ न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, तो उसमें बेसिकली बोला गया था दैट इट इज एक विजन रखा गया था जिसके तहत बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स टू द सच काइंड ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में बोला गया था। और उसी का एक मेंबर था यहाँ पर तंजानिया भी, बट तंजानिया ने अभी बोला है दैट हम यहाँ से हट रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी और हमारे पास फंड ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इस पर इंक्लूड नहीं होना चाहते हैं। मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तंजानिया इज नॉट बाउंडेड, इसको बिल्कुल कोई बाउंड नहीं है दैट ये यू नो रेफ्यूजीज को अपने पास रखे ही, ठीक है। और अगर मैप के हाँ इसके बारे में और भी देख लेते हैं, इट कॉल्स फॉर ग्रेटर सपोर्ट ऑफ रेफ्यूजीज एंड द कंट्री दैट होस्ट देम। मतलब ये यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी प्रोग्राम के बारे में ही हम लोग ये तीन पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके तहत बोला जा रहा है दैट इट कॉल्स फॉर ग्रेट सपोर्ट फॉर रेफ्यूजीज। बोला जाता है दैट यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी प्रोग्राम के तहत रेफ्यूजीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और वैसे कंट्रीज जो कि रेफ्यूजीज को होस्ट कर रहे हैं उन्हें भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसको 2016 में 193 मेंबर स्टेट्स को द्वारा अडॉप्ट किया गया था एंड इट कंटेन्स हिस्टोरिक एंड वाइड रेंजिंग कमिटमेंट्स जिसके तहत बोला जाता है दैट मेंबर्स जो है, मतलब 193 मेंबर्स स्टेट्स जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, वो रिस्पेक्ट करेंगे ऑल द फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स एंड टू सपोर्ट द कंट्रीज दैट वेलकम देम, है ना। तो ये तो रहा इस न्यूज़ के बारे में। अब मैप पॉइंटिंग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तंजानिया के बारे में देख लीजिए, तंजानिया है किस किस रीजन के आजू बाजू सटा हुआ। देखिए, ये केनिया इधर है नॉर्थ में, और केनिया और युगांडा है ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पे रवांडा, बुरुंडी, बहुत छोटा छोटा कंट्रीज़ है। इधर ईस्ट सॉरी वेस्टर्न साइड में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ से और यहाँ से और बुरुंडी से सबसे ज़्यादा तंजानिया में मतलब आपका जाके रेफ्यूजीज जाते हैं, है ना। नीचे में है मालावी, है ना। इधर है मोजाम्बिक, है ना। सो ये सब कुछ कुछ फैक्चुअल बातें हैं। और इधर तो इंडियन ओशन रीजन है बेसिकली। सो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में न्यूज़ था। एक्चुअली नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को ऑब्जर्व किया गया था, और इसके तहत बेसिकली मतलब डायमंड सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाया गया था। और इस बार का जो थीम रखा गया था दोस्तों, ये है इंडस्ट्री 4.0 लीफ्रॉग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, है ना। इंडस्ट्रियल 4.0 ये है क्या, इसको आप नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं दोस्तों। इसके तहत मेन ये फोकस था दैट प्रोडक्टिव रीजन में जो है, प्रोडक्टिव रीजन के वैल्यू चेंजेस और बिजनेस मॉडल को इंक्रीजिंगली डिजिटाइजेशन वर्ल्ड के तहत उसको और भी डिजिटाइज करना है, और साथ ही साथ इंश्योर करना है दैट देयर अकर्स कन्वर्जेंस ऑफ रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड द नेक्स्ट फेज इन ब्रिंगिंग टुगेदर कन्वेंशनल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन मैन्युफैक्चरिंग। बट साथ ही मतलब इंश्योर ये करना है दैट अभी के जो बिजनेस मॉडल्स है डिफरेंट प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स के, वो कन्वर्ज कर सके बड़े बड़े देशों के बिजनेस मॉडल के साथ, जिसके तहत हमारी बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़े और इंश्योर कर सके दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम इंसर्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके बारे में अगर और भी देखना चाहते हैं तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है टू प्रमोट द प्रोडक्टिव कल्चर इन इंडिया। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ये एक ऑटोनॉमस मल्टी पार्टाइट एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, वो स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉयज या फिर वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है ये टीम अप करता है अपने क्लाइंट्स के साथ, जिसके साथ वो कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स होता है तो उसका सॉल्यूशन को वर्कआउट करके निकालता है, जिसके तहत इंश्योर किया जा सके दैट प्रोडक्टिविटी कल्चर जो है बहुत एक्सलेट तरीके से आगे भागे और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिवनेस भी इन्हांस हो सके, प्रॉफिट इंक्रीज हो सके और सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी भी इंश्योर किया जा सके डिफरेंट प्रोडक्टिविटी सेक्टर ऑफ इंडिया में। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिलायबल डेटाबेस फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब एक रिलायबल डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिसके तहत प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके, अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सके और वर्किंग कल्चर को इम्प्रूव कर सके, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इस
इन डिफरेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ इंडिया उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब सब काम रहता है हमारे नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल का, है ना। सो नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट हाईवे कैपेसिटी मैनुअल रिलीज। साउथ एशियन रीजन में इंडिया एक वन ऑफ द कंट्री था जिनका अपना साउथ मतलब अपना हाईवे कैपेसिटी मैनुअल बना हुआ नहीं था, है ना। तो इसलिए कंट्री का पहला एवर हाईवे कैपेसिटी मैनुअल आ गया है, और क्योंकि ये पहला एवर लिखा हुआ है सो दोस्तों दिस इज बिकमिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसका नाम भी देखिए इंडो एससीएम, ये कीवर्ड ही ऐसा है ना जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप लोग सोचिएगा जी यार ये एक तो कीवर्ड है इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, नहीं देखिए 2017 के प्रीलिम्स में स्ट्राइप्स नाम का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, STRIPES, ये क्या होता है, दैट इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म ऑनली, ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म को सीधा पूछ लिया था तो ये भी तो शॉर्ट फॉर्म है तो इसको क्यों नहीं पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इंडो एचसीएम, ये कंट्री का पहला एवर हाईवे मैनुअल हाईवे कैपेसिटी मैनुअल है जिसको रिलीज किया गया है। अब इसके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं दोस्तों। द मैनुअल हैज बीन डेवलप्ड बेसिस With having, in which is having the basis of extensive countrywide studies, मतलब मैनुअल तब बनाया गया on the basis of, मतलब इंश्योर किया गया है किस किस चीज़ों को फैक्टर में रखकर इस मैनुअल को बनाया गया है, वो हमारे इंडिया में जो ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फैक्टर में रखकर इस मैनुअल को बनाया गया है। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ रोड आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो सिंगल लेन भी होते हैं, टू लेन भी होते हैं, मल्टी लेन भी होते हैं, है ना। तो इस टाइप के रोड्स को देखकर कैसे हमारा हाईवे कैपेसिटी मैनुअल बने जिससे इंश्योर किया जा सके दैट यू नो साइंटिफिक प्लानिंग और मतलब हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में साइंटिफिक प्लानिंग और साइंटिफिक एक्सपेंशन इंश्योर किया जा सके। अब देखिए साइंटिफिक प्लानिंग एंड साइंटिफिक एक्सपेंशन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग जो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो वो ऐसे ही कर दिया जाता है, मतलब वैसे इंजीनियर्स का सहारा लिया जाता है, ठीक है, बट इंजीनियर्स भी कहीं कहीं धोखा खा जाते हैं। क्योंकि अभी भी हमारा अगर रेट देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट, शार्प टर्न, तो ये सब के कारण काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करके ऐसे भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सकता है जिससे क्या इस टाइप के यू नो चीज़ों को निगेट किया जा सके, मतलब यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स होती है ना हमारे ब्लैक स्पॉट्स में उसको कम किया जा सके। जैसे यहाँ पर टर्निंग में आप मिरर लगा दीजिए या फिर इस टाइप का इसको थोड़ा इसका डाइवर्जन को थोड़ा यू नो तिरछा मतलब ऐसा गोल कर दीजिए जिससे यू नो कोई भी अगर शार्प टर्न ना हो जिससे, ठीक है। तो ऐसे बहुत टाइप के साइंटिफिक प्लानिंग एंड एक्सपांशन हो सकती है हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे कंट्री में, जो क्या हो नहीं रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैकेज ऑफ द हाईवे कैपेसिटी मैनुअल, ठीक है। तो कहा जा रहा है दैट क्योंकि ये आ गया है तो इससे फ्यूचर में हमारा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड स्पेसिफिकली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्लानिंग साइंटिफिक हो सके और उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। इट हैज बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द यूनिक नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रैफिक रोड्स दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर इंडिया एंड मैनुअल लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर व्हेन एंड हाउ टू एक्सपेंड एंड मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड एंड देयर इंटरसेक्शंस एंड द लेवल ऑफ द सर्विसेज टू बी पुट इन प्लेस, ठीक है। सो ये कुछ कुछ मतलब वही है यार, रट्टू तोता टाइप से बता दिया गया एक ही चीज जो मतलब मेन हमें सिर्फ मेन जस्ट जानना है। देखिए हम लोग जो कोई भी न्यूज एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं ना वो तो जस्ट इसलिए एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास 10-5 पॉइंट और भी ज्यादा आ जाए दिमाग में, है ना, मैं मेंस के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करने के लिए। बट एक्चुअली जो एक न्यूज में होता है कोई भी मतलब अगर प्रीलिम्स फोकस से देखिएगा कोई एक ही चीज को एक्सट्रैक्ट करने का होता है, जैसे कुछ कुछ ऐसे न्यूज होते हैं जहां पे 2-3 चीजें एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, बट वो एक्सट्रैक्शन पावर क्या होता है ना धीरे धीरे आपका आते रहेगा, है ना, धीरे धीरे इन द सेंस मतलब समझ जाओगे भाई। अगर आप लोग बहुत जनों को तो आ भी गया होगा और जिनकी जिनको नहीं आता है उनको धीरे धीरे आते रहेगा दैट किस किस चीज़ों को एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे पिछले वाले न्यूज़ में ही हम लोग देख लेते हैं, इसमें देखिए इंडो एससीएम जैसे ये कीवर्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये एक प्रीलिम्स में आने का बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इनफैक्ट 100% मेरे को लगता है प्रोबेबिलिटी आएगा ही आएगा इससे। अब ये बाकी जितने भी सारे ये एक्सप्लेनेशन बेसिस पे, मतलब इससे हम मेंस का आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आया दैट हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बुराई है या फिर इतनी खामियां हैं उसको इनहांस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और सरकार ने अभी क्या क्या तक किया है, तो आप बोल सकते हो दैट हाँ हमने इंडो एससीएम नाम का मतलब हाईवे कैपेसिटी
कैपेसिटी मैनुअल निकाला है जिसके तहत इंश्योर किया जा सके दैट आने वाले फ्यूचर में जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लानिंग हो वो साइंटिफिक तरीके से हो जाए, ठीक है। और ये कंसिडर भी किया जा रहा है टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ द नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन रोड्स, जो कि इंडिया का रोड्स का डाइवर्सिटी है तो उसके नेचर को कंसिडर करके ये चीज़ डेवलप किया गया है। ये एक मैनुअल है जो कि ले डाउन करता है डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर व्हेन एंड हाउ टू एक्सपेंड और मैनेज डिफरेंट टाइप ऑफ रोड एंड देयर इंटरसेक्शंस। मतलब वही ना, दैट इतने सारे जो पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ पॉइंट आप एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, बट मेन जो चीज है यही है, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और ये सब थोड़ा ना आएगा यार दैट इंडिया में कितना सारा लेन होता है, ये तो आप अपने खुद से ही जाते होंगे तो आपको पता चल जाता है दैट आपके रीजन में 2 लेन है या मल्टी लेन है या 4 लेन है या सिंगल लेन है, ठीक है। वो सब तो यार खुद से मतलब कॉमन सेंस है, मतलब अगर आप इस टाइप के कॉमन सेंस अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो मैंने आपने दुनिया नहीं देखी है, दुनिया या फिर अपने आजू बाजू को ऑब्जर्व आप ठीक से नहीं कर पाते हो, है ना, तो वो आपका मतलब डिमेरिट पॉइंट होगा। तो यही बता रहा है ना दैट यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो आँख कान नाक मुख सब कुछ खुला रखो आप लोग, है ना। चलो वो तो खैर फालतू की बहस हो गई। नेक्स्ट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक प्लान को क्लियर कर दिया जिसके तहत वो प्रोक्योर करेंगे मच नीडेड फायर पावर जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा नीड थी बट वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। देखिए रिसेंटली जो डोकलम इशू जो हुआ था ना तो उस समय एक सीएजी का रिपोर्ट आया था, उसमें बोला गया था दैट हमारा जो डिफेंस के सेक्टर में अगर हमारी तैयारी देख लीजिए तो हमारी डिफेंस के सेक्टर में पूरी तैयारी नहीं है। तो इस टाइप के जब आप न्यूज़ सुनिएगा तो यू नो सरकार तो कॉशियस हो ही जाएगी ना भाई दैट क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो उसी के तहत सरकार ने अपना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया और इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं आए दिन, हम लोग और भी एक बार कुछ ही दिन पहले ये डिस्कस भी किया था। एनीवेज तो चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं, देख है क्या इसको। देखिए हेड किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, ये 2001 में इसको बेसिकली बनाया गया था, है ना, इसको सेटअप किया गया था एंड इसका मेन एम था दैट तब तक तो मतलब 2001 के पहले क्या होता था ना दैट डिफेंस का कभी एक्विजिशन किया जाता था तो कुछ ट्रांसपेरेंट वे नहीं होता था एक्विजिशन करने का, ठीक है। तो इस केसेस में करप्शंस बहुत होते थे, है ना, मिनिस्टर्स बहुत पैसे घूस खाते थे और जितने भी सारे डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस होता था डिफेंस सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक प्रोसेस था, बहुत धीरे धीरे चलता था, ठीक है। तो इस टाइप इस सब चीज़ों को डू अवे करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लाया गया जो कि इंश्योर कर रहा है दैट इस सेक्टर में करप्शन बहुत हद तक घट गया और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी है जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो सकता हो गया है। इसके मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का एम है टू इंश्योर एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी सॉर्ट एंड टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग द एलोकेटेड बजटरी रिसोर्सेज। इसका बेसिकली काम ये है दैट इंश्योर करना दैट जल्दी से जल्दी प्रोक्योरमेंट हो सके हमारे जो भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट यू नो चीजें बंदूक या फिर यू नो सम सॉर्ट ऑफ आर्म्ड इक्विपमेंट जो भी चाहिए वो जल्दी से जल्दी टाइम फ्रेम में यू नो प्रोक्योर हो सके। ये इंश्योर ये काम है इंश्योर करना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों जोगी झोपा टू बिकम द इंडियाज न्यू गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। देखिए जोगी झोपा रीजन कहाँ है पहले ये देख लीजिए, ये आसाम का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक स्मॉल टाउन है ऑफ आसाम एंड अभी इसको रोड मिनिस्ट्री सोच रही है दैट इसको एक यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का यू नो डेवलप करे जिसमें रोड रेल वाटरवे एंड एयरपोर्ट फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल हो। देखिए वाटरवे तो अवेलेबल है ही क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लीजिएगा तो ब्रह्मपुत्र रिवर इधर के बाजू से बह रही है, ठीक है, तो एक तो वाटरवे अवेलेबल हो गया, रोड भी अवेलेबल हो ही जाएगा, ठीक है, रेल भी आने की आराम से प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इधर से जो रेल जो कनेक्ट होती है तो इधर से ही गुजरती है, ठीक है, तो रेल भी है और एयर ट्रांसपोर्ट भी होना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब सवाल उठता है दैट यहाँ पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का सेटअप क्यों किया जा रहा है। पहली बात तो देखिए वैसे हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट है ना एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है, तो ये तो वैसे चल ही रहा था बट इसका लोकेशन जो है ना बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। देखिए अब बांग्लादेश से एकदम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे बांग्लादेश दाबे हुए, इधर से नेपाल दाबे हुए और इधर से भूटान दाबे हुए एक जगह से, मतलब इस रीजन ये रीजन एक्सपैंड नहीं हो सकता फ्यूचर में और एक सर्टेन लेवल के बाद तो एक्सपैंड बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, बट ये रीजन अगर आप देख लीजिएगा ये रीजन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी
मतलब यहाँ इस रीजन में तो देख लीजिए, डोकलम के बाजू से अगर चाइना भी कभी अगर अटैक कर दे तो काफ़ी ज़्यादा ये रीजन वल्नरेबल हो जाएगा। बट इस रीजन को अटैक करते करते बहुत टाइम उसको लग जाएगा, और तब तक यू नो इंडियन फोर्सेज बहुत ज़्यादा अपने आप को कैपेबल कर सकती है। वैसे यहाँ पर भी नहीं कर सकती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोर्सेज बढ़ा दिया गया है आफ्टर दिस डोकलम इशूज़, है ना। बट एनीवेज वो तब तो स्ट्रैटेजिक बात है। तो हाँ, सवाल ये होता है दैट ये जोगी जप्पा को ही क्यों लिया गया। तो पहले इसलिए लिया गया क्योंकि इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, साथ ही साथ ये इंश्योर किया जा सकता है दैट मूवमेंट, अभी देखिए अभी ऐसा टाइम है ना जब इंडिया के नेबर कंट्रीज़, वो कोई भी कंट्रीज़ लीजिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कोई भी कंट्रीज़ ले लीजिए, सब कोई चाहता है इकोनॉमिकली ज़्यादा बढ़ना, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी था इकोनॉमिक सर्वे वाले चैप्टर में, अभी जो कैरी आउट कर रहा है पाँचवा चैप्टर में, वो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहा है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, दैट हर एक देश चाहता है दैट हम लोग यू नो बड़े बड़े देशों के तरह पैसे कमाएं, है ना। और इंडिया भी उसी प्रोसेस में है, और हम लोग क्या है लेट कन्वर्जेंस फेज में है ये सब, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। अगर वो अगर नहीं देख रहे हो तो बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन क्योंकि उससे ही बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे ऐसे ही न्यूज में सॉल्व अप कर हो जाता है ना। तो एनीवेज ये उस टाइम में बन रहा है, ये सब कॉरिडोर का डिसीजन लिया जा रहा है जब इंडिया के नेबर्स भी ये जो है ये गियर अप हो रहा है अपने ट्रेड्स के लिए। और आप सोचिए अगर इस रीजन में अगर बन गया तो एक तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है और भी स्मूथ होने का प्रोबेबिलिटी है, साथ ही साथ बांग्लादेश और भूटान के बीच में भी अगर कोई ट्रेड होगा तो वो भी तो इंडिया से ही ना गुजरेगा यार, है ना। तो उसके लिए भी एक बहुत कंड्यूसिव रूट मिल जाएगा, क्योंकि ये देखिए भूटान मतलब बांग्लादेश भी कितना बाजू में है यहाँ पे, है ना। ये अगर लोकेशन देखिएगा, और इधर से सिर्फ कुछ टाइम ही नहीं लगेगा भूटान तक जाने में, और ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर भी हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज आपको जस्ट ये नाम ध्यान में रखना है जोगी झोपा, क्योंकि ये मतलब ये जो कॉरिडोर बन रहा है, आई मीन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बन रहा है, दैट इज़ इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जो कि इंडीड फ्यूचर में फ़ायदा होगा इंडिया के कन्वर्जेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एलपीजी पंचायत के बारे में। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने रिसेंटली होस्ट किया था एलपीजी पंचायत राष्ट्रपति भवन में। एलपीजी पंचायत स्टार्ट करने से पहले एक स्कीम के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका एम क्या था बताइए तो, इसका एम यही था दैट गरीबी रेखा के नीचे जो औरतें हैं उनको फ्री मतलब एक सर्टेन अमाउंट लेकर, पहले तो था दैट सर्टेन अमाउंट लेकर यू नो अब गैस मुहैया करवाया जा सके, है ना। उसके बाद जो SECC डेटास को देखकर कुछ कुछ रीजन में फ्री ही मुहैया करवाया जा रहा है अभी तो, है ना, मतलब कुछ कुछ फैमिलीज को, ठीक है, BPL फैमिलीज को फ्री ही मुहैया करवाया जा रहा है आफ्टर सीइंग द SECC डेटा, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा, है ना। तो बस एनीवेज हमने जान लिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में दैट ये क्या है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जानते हैं। अब उसी को लेकर ये एलपीजी पंचायत उसके बाद में ही बनाया गया था, क्यों, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला के योजना के तहत तो लोग मतलब एलपीजी का अलग सिलेंडर तो ले रहे हैं, ठीक है, बट एक बार ही ले रहे हैं, उसका रिफ्यूलिंग नहीं करवा रहे हैं, है ना। अब इसी के बारे में भी हम लोगों ने एक डेटा के साथ अच्छे से डिस्कस किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, है ना। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और मैंने जितना एग्जॉस्टिव तरीके से करवाया है ना इकोनॉमिक सर्वे, आपको गारंटी बता रहा हूँ कहीं पर नहीं मिलेगा। मतलब मिल तो जाएगा बट आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, सम ऑफ अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट मेरे ऑलरेडी फ्री में कोर्सेज जब अवेलेबल है, और अगर आपने नहीं देखा है, बाई चांस देख लिया तो बहुत अच्छा है, बट नहीं देखा है तो सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो लिटरली। क्योंकि देखिए वो अगर एक इतने सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे ना, देखिए ये सब जो प्रीलिम्स फोकस्ड या फिर जो भी हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते ही हैं, बट साथ ही साथ वो एनालिसिस आपको मेंस में काम आ जाएगा। क्योंकि अरे हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं यार, प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा मेंस निकल जाए, इसीलिए ना, है ना। और मेंस निकलने के लिए अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे आपने नहीं पढ़ा है तो आप, वो एक जेन्युइन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट है, वो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगा यार वो एटलीस्ट पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया गया था दैट एलपीजी लोग कनेक्शंस तो लेते हैं बट उसका यूटिलाइजेशन एक्चुअली 100% नहीं हो पाता है, ठीक है। उसका यूटिलाइजेशन को 100% और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन इंश्योर करने के लिए यू नो ये एलपीजी पंचायत का गठन किया गया है, मतलब एलपीजी पंचायत का गठन किया गया। जी हाँ, एलपीजी पंचायत क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल पंचायत में क्या होता है, पंच लोग बैठते हैं, ठीक है, कोई गांव का इशू को सॉल्व करते हैं, एलपीजी पंचायत में भी वही होता है। एलपीजी पंचायत में क्या होता है ना दैट जो भी एलपीजी का यूजर्स हैं
उन लोगों को एक जगह बैठाया जाता है। बेसिकली ये लोग रूरल रीजन में होते हैं ना, और ये लोग को पता नहीं होता है दैट ये एलपी जो हम लोग लेते हैं, पहली बार तो ले लिया बट दूसरी बार से लेना हमने बंद कर दिया। क्यों भैया? अगर आप अगर अच्छा वो लोग लेना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि वो लोग लगते हैं यार तब भी तो हमको यू नो एलपीजी से क्या फ़ायदा, उससे अच्छा हमारे गाय मतलब गाय का जो गोबर से जो वो बनता चूल्हा उसी से हम बना लेते हैं, वो तो और भी वो लोग को लगता है। देखिए गाय को हमारे इंडिया के धर्म में ना थोड़ा पूज्यवर माना जाता है, ठीक है, पूजा किया जाता है, तो लोग सोचते हैं यार गाय का जो ये गोएठा मतलब वो जो होता नहीं है गोबर से जो खाना बनाता है उसको भी कोई कोई रीजन में शुद्ध माना जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये लोग एलपीजी को छोड़कर वो इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे बात। तो इस एलपीजी पंचायत के तहत क्या किया जाता है ना, वहाँ के रूरल यूजर्स को बताया जाता है दैट एलपीजी अगर आप यूज़ कीजिएगा तो इन्वायरमेंट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ती है, जो कि आप यू नो कार्बन्स को जलाकर आप खाना बना रहे हो उससे होता है, तो उससे नहीं होगा, इनफैक्ट वुमेन के हेल्थ पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन किया जाता है रूरल एलपीजी यूजर्स के द्वारा, और साथ ही साथ बताया जाता है अगर ये वुमेन यूज़ करे तो कितने ज़्यादा वुमेन इम्पावर्ड हो सकती है फ्यूचर में। ये वैसे ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑफकोर्स यार ये उनके लिए इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि उन्हीं का ये बेसिकली गवर्नमेंटल स्कीम है, ठीक है। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट एम्स टू रीच आउट टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज वुमन टू एडुकेट देम, तो वही सब है बोल बच्चन है, सेम ही चीज जो क्या मेन आपको थीम मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, इकोनॉमिक सर्वे का लिंक नीचे दिया हुआ जो कि मैंने आपको बोल दिया, आप पढ़ लीजिएगा जरूर से, मीन्स आंसर राइटिंग भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मटेरियल, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।